So guys, Havoc OS का एकदम से लेटेस्ट अपडेट हो चुका है अवेलेबल K20 Pro के लिए, जिसका नाम है Havoc OS 3.6। तो चलिए गाइस जल्दी से देख लेते हैं कि ये रोम एक्चुअली में कैसा है, कौन कौन से फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं एंड कौन कौन से चेंजेस आए हैं इस रोम के साथ, ओवरऑल ये रोम यूजेबल है या नहीं। सो गाइस अगर जल्दी से बात कर ले इस रोम के डिटेल्स के बारे में, तो हम लोग देख सकते हैं जो रोम है ये एंड्रॉयड 10 बेस्ड है एंड यहाँ पे जो वर्जन हमें देखने को मिल जाता है वो है Havoc OS 3.6। यहाँ पे जो सिक्योरिटी पैच यूज किया गया है वो है एकदम से लेटेस्ट 5 जून 2020 का, और यहाँ पे जो कर्नल हमें देखने को मिल जाता है वो है इमेंसिटी कर्नल। तो गाइस इस बार के Havoc OS के अपडेट में हमें काफ़ी सारे मेजर चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात कर ले इस रोम के एक ओवरव्यू के बारे में, तो हम लोग देख सकते हैं ये रोम ब्लेजिंगली फास्ट हो गया है। जैसे प्रीवियस बिल्ड में हमें थोड़ा सा स्लो देखने को मिला था, Havoc OS अभी एकदम भी ऐसा नहीं है। Havoc OS ब्लेजिंग फास्ट हो चुका है, कोई भी एनिमेशन लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप हमें रोम में देखने को नहीं मिलता। साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात कर ले इस रोम के लॉन्चर के बारे में, तो यहाँ पर और पिक्सल लॉन्चर यूज नहीं होता, यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है Havoc OS शेड लॉन्चर में। तो शेड लॉन्चर में हम लोग देख सकते हैं काफी कुछ हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है एंड उसमें से भी एक मेजर चेंजेस जो है वो है स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स को लेकर। स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स में अगर हम लोग क्लॉक में आ जाए, तो यहाँ पे काफी सारे क्लॉक फेसेस ऐड हो चुके हैं, टू बी प्रिसाइज 4 क्लॉक फेसेस ऐड हो चुके हैं। आपको अभी यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद अगर जल्दी से बात कर ले सेटिंग्स के बारे में, तो सेटिंग्स में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं होम स्क्रीन सेटिंग्स पे काफी सारे कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। साथ ही साथ यहाँ पे ऐप ड्रॉअर में हाइड एंड प्रोटेक्टेड ऐप का भी फीचर है, जिसमें आप आपके मनपसंद ऐप को हाइड भी कर सकते हैं एंड चाहे तो फिंगरप्रिंट से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक फीचर है जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। इनफैक्ट आप यहाँ पे ग्रिड साइज को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं एंड आइकन पैक को भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे जेस्चर्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये लॉन्चर मेरे को काफी ज्यादा फीचर रिच लगा। इसके बाद अगर जल्दी से आ जाए क्यूएस पैनल में, तो यहाँ पे क्यूएस पैनल में काफी सारे टाइल्स भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे, तो डीसी डिमिंग के साथ साथ यहाँ पे गेमिंग मोड के लिए भी टाइल्स हैं एंड यहाँ पे FPS काउंटर का भी टाइल हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले तो स्क्रीनशॉट एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए भी एंड साथ ही साथ यहाँ पे स्क्रीन स्टेबिलाईजेशन के लिए भी टाइल देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर जल्दी से हम लोग बात कर ले स्क्रीन रिकॉर्डिंग को लेकर, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में हम लोग देख सकते हैं ये एक्चुअली काफी फीचर रिच है। यहाँ पे आप वीडियो बिट रेट, ऑडियो सोर्स एंड यहाँ पे शो टचेस ऑन स्क्रीन के साथ साथ काफी कुछ चेंज कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो फीचर है वो भी काफी अच्छा इस रोम में इंप्लीमेंट किया गया है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात कर ले तो ADB ओवर नेटवर्क, कैफिन मोड, कॉम्पास एंड यहाँ पे साउंड सर्च जैसे ऑप्शन के लिए भी टाइल्स दिया गया है। इसके बाद अगर जल्दी से आ जाए सेटिंग्स में, नेटवर्क सिलेंडर्स अगर हम लोग बात कर ले तो वाईफाई बिल्कुल प्रॉपरली वर्किंग है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात कर ले तो मोबाइल डेटा भी एकदम सीमलेसली ही काम करता है, वो वाईफाई कॉलिंग एंड वोल्टी वीडियो कॉल भी एकदम परफेक्टली ही काम करता है। इनफैक्ट इस बार का जो कॉन्फ़िगरेशन है कैरियर कॉन्फ़िगरेशन वो लिया गया है MIUI से, जो कि काफी अच्छी बात है एंड एकदम अच्छी तरीके से ही कॉलिंग इसी के लिए काम करता है। इसके बाद अगर जल्दी से बात कर ले कॉलिंग परफॉर्मेंस के बारे में, तो आप देख सकते हैं कॉलिंग एकदम प्रॉपरली वर्किंग है यहाँ पे। इसके बाद अगर जल्दी से हम लोग आ जाए सेटिंग्स में, तो सेटिंग्स में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ब्लूटूथ जो है, ब्लूटूथ भी एकदम अच्छे से काम करता है। इनफैक्ट यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेंटर हमें देखने को मिल जाता है, जहाँ पे हमें टन्स ऑफ कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं। अब कस्टमाइजेशन के बारे में कुछ देर बाद हम लोग बात कर लेंगे, उसके पहले कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे बैटरी लाइफ मुझे काफ़ी अच्छा देखने को मिला, आप यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी लाइफ जो है यूजेज के टाइम में काफ़ी अच्छा। इनफैक्ट यहाँ पे अगर स्टैंड बाई टाइम की बात कर ले, तो स्टैंड बाई बैटरी लाइफ भी मुझे काफ़ी अच्छा देखने को मिला। आपको यहाँ से मेरे आइडिया के हिसाब से 7 घंटे का बैटरी लाइफ मीडियम यूजेज में तो आराम से मिल जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पे थर्मल प्रोफाइल्स जैसे ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाते हैं एंड स्मार्ट चार्जिंग भी पूरी तरह से काम करता है। इस बार डिस्प्ले में आ जाए, तो डिस्प्ले में हमें काफी कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कलर्स के लिए हमें नेचुरल, बूस्टेड एंड अडाप्टिव कलर देखने को मिल जाते हैं एंड यहाँ पे एंटी फ्लिकर मोड के लिए भी एक ऑप्शन है, जो कि डीसी डिमिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसके बाद अगर जल्दी से साउंड रिलेटेड बात कर ले, तो साउंड एकदम प्रॉपरली वर्किंग है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है साउंड को लेकर। इनफैक्ट यहाँ पे डायरेक्ट साउंड एनहांसर का ऑप्शन भी दिया
आ गया है। इसके बाद अगर जल्दी से हम लोग आ जाए सिक्योरिटी में, तो सिक्योरिटी में फिंगरप्रिंट के साथ साथ हमें फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है एंड दोनों ही काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। फिंगरप्रिंट तो इतना फास्ट है कि वन ऑफ द फास्टेस्ट AOSP फिंगरप्रिंट्स में से मुझे एक लगा, वो AOSP ROM जिसमें सबसे फास्टेस्ट फिंगरप्रिंट मुझे देखने को मिला। इससे पहले मेरा फेवरेट था एक्सटेंडेड UI, इसके बाद अभी मुझे लगता है Havok को इसका फिंगरप्रिंट सबसे ज़्यादा एक्यूरेट एंड रिस्पॉन्सिव है। आप यहाँ पे देख सकते हैं विद इन वन टैप आई गेस कुछ हद तक तो मुझे लगता है ये MIUI से भी ज़्यादा बेटर है। तो इसके बाद अगर जल्दी से हम लोग बात कर ले फेस अनलॉक को लेकर, तो फेस अनलॉक भी एकदम अच्छे से काम करता है, बट कोई वियर्ड रीजंस के लिए अभी फेस अनलॉक काम नहीं कर रहा, एक्चुअली फेस अनलॉक लैग हो चुका था। तो फिर से हम लोग ट्राई कर लेंगे, या आप देख सकते हैं फेस अनलॉक एकदम अच्छे से काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फेस अनलॉक को लेकर भी। तो ओवरऑल ये मुझे सिक्योरिटी का मेनू काफ़ी अच्छा लगा। इनफैक्ट ये रॉम, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस रॉम का जो सेल लिनक्स स्टेटस है वो भी एनफोर्सिंग है, तो उसके रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अगर जल्दी से हम लोग आ जाए सिस्टम में, तो सिस्टम में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट कैमरा साउंड इफेक्ट्स भी हमें देखने को मिल जाता है एक मेन्यू। इसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग बात कर ले तो यूज़र्स को भी हम लोग यहीं से ही सिलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन एक जो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर फील हुआ वो है कि सिस्टम में हमें सिस्टम अपडेटर का मेन्यू देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब अगर आप कोई फर्दर अपडेट रिसीव करते हैं Havok OS का, तो उसको आपको डाउनलोड करके कस्टम रिकवरी से फ्लैश करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली यहां से OTA के जैसे अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो सेटिंग्स के बाद अगर हम लोग जल्दी से आ जाए नॉर्मली कैमरा के बारे में, तो कैमरा यहां पे एकदम प्रॉपरली वर्किंग है। इनफैक्ट यहां पे कस्टमाइज्ड ANX कैमरा भी इंस्टॉल्ड है जिसमें सारे फीचर्स एकदम अच्छे से काम करते हैं। आप यहां पे वीडियो मोड में आपको व्लॉग मोड भी देखने को मिल जाएगा एंड यहां पे 4K एंड जो सुपर स्लो मोशन जैसे फीचर्स हैं वो भी एकदम अच्छे से ही काम करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है रिगार्डिंग दैट। एक जो प्रॉब्लम और भी हमें देखने को मिला था इसके प्रीवियस बिल्ड में वो है बूट एनिमेशन, जो है बूटिंग एनिमेशन में काफ़ी ज़्यादा लैग था। लेकिन इस बार का जो बिल्ड है इसमें हमें बिल्कुल भी लैग देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर मैं रिबूट कर रहा हूँ मेरे सिस्टम को ताकि आपको दिखा सकूँ बूटिंग एनिमेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो बूटिंग एनिमेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है एंड फास्ट भी हो चुका है। इनफैक्ट यहाँ पे कुछ और फीचर्स भी आ चुके हैं इस अपडेट के साथ, जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो है कि इस अपडेट में हमें जो एक्सेंट कलर ओवरले का फीचर है वो एकदम बिल्कुल अच्छे से वर्किंग दिखाई देता है। तो गैस अगर हम लोग लास्टली इस बार बात कर ले कॉन्फ़िगरेशन सेंटर को लेकर, तो कॉन्फ़िगरेशन सेंटर में हमें काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे स्टेटस बार में काफ़ी सारे हम लोग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर बैटरी बार जो मेन्यू है ये आ चुका है इस बार न्यू इस अपडेट के साथ। पहले के अपडेट्स में हमें बैटरी बार देखने को नहीं मिलता था। यहां पे अगर हम लोग बात कर ले क्विक सेटिंग्स लॉक स्क्रीन को लेकर भी, तो लॉक स्क्रीन में भी यहां पे स्क्रीन ऑफ FOD हमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले जेस्चर्स को लेकर, तो यहां पे भी हमें स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का जो फीचर है वो हमें देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट मिसलेनियस में हमें गेमिंग मोड भी देखने को मिल जाता है, के साथ साथ यहां पे एडाप्टिव प्लेबैक का भी ऑप्शन यहीं पर ही प्रेजेंट है। इसके बाद अगर हम लोग जल्दी से बात कर ले कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, तो वो है पिछले बिल्ट में एक प्रॉब्लम था जो कि इस बिल्ट में फिक्स हो चुका है, वो है रिगार्डिंग द वॉलपेपर। कुछ स्पेसिफिक वॉलपेपर्स के लिए जो रॉम था वो एक्चुअली बूट लूप में चले जा रहा था, तो उसे भी फिक्स कर दिया गया है। इनफैक्ट अभी हम बात कर ले तो यहाँ पे हम लोग देख सकते जो नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन है वो भी प्रॉपरली रनिंग है एंड आपको प्ले स्टोर में ही अवेलेबल मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं जल्दी से इसका DRM Info, तो उसके लिए चलिए DRM Info का जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर लेते हैं एंड देख लेते हैं जो वाइडवाइंड CDM है उसका सिक्योरिटी लेवल हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग ओपन कर ले तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो वाइडवाइंड CDM का सिक्योरिटी लेवल है वो हमें देखने को मिलता है L1, जिसका मतलब है कि आप यहाँ पे Netflix को आराम से या किसी भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज को फुल HD में कंज्यूम कर पाएंगे कोई प्रॉब्लम्स के बिना। तो यहाँ पे L1 सर्टिफिकेशन हमें देखने को मिल जाता है एंड साथ ही साथ अगर हम लोग सबसे क्रूशियल पॉइंट जो कि है परफॉर्मेंस उसके बारे में बात कर ले, तो यहाँ परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा हमें देखने को मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एक्सटेंसिवली PUBG यहाँ पे खेला है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मेरे को देखने को मिलता है। इनफैक्ट यहाँ पे FPS का टाइल भी अवेलेबल है, आप रियल टाइम FPS को भी मॉनिटर कर पाएंगे, जो मेरे केस में हमेशा से ही 57-60 FPS में लाइक किया है। इसके बाद आप सभी मुझे रिक्वेस्ट करते हैं Geekbench Score के लिए, तो मैंने Geekbench Score को भी रन किया है आपको परफॉर्मेंस के बारे में बताने के लिए। तो फिर भी मैं हम सभी को मैं बोलता हूँ कि Geekbench Score को ब्लाइंडली प्लीज फॉलो मत कीजिए, क्योंकि वेरियस सिनेरियोज में एक स्कोर जो है वो चेंज होते हैं। अब आप बोलेंगे कि फर्स्ट बूट के बाद ही Geekbench Score वो ऑथेंटिक होता है, कोई बोलेगा कि आप दो तीन बार Geekbench कीजिए वो
ऑथेंटिक होता है। एक्चुअली गाइस ऑथेंटिक कुछ नहीं होता, आपके सीपीयू का थ्रॉटलिंग उस टाइमिंग कितना होगा, आपके यहाँ के जो टेम्परेचर होगा, आपके वहाँ के जो इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से डिपेंड होता है कि आपका गीकबेंच स्कोर कितना आएगा। सो ये आप प्लीज़ इसे ओवरऑल मत समझिए, अगर आपको जानना हो तो आप खुद गीकबेंच स्कोर को रन करके देखिए या फोन में नॉर्मली परफॉर्मेंस ऐसे यूज़ करके देखिए, तब आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस का अंदाज़ा होगा। यहाँ पे मेरे केस में दोनों ही गीकबेंच स्कोर काफ़ी इंप्रेसिव मुझे देखने को मिले हैं, सिंगल कोर में 766 एंड मल्टी कोर में है 2601 जो कि इंप्रेसिव है, काफ़ी इंप्रेसिव स्कोर है। तो परफॉर्मेंस रिगार्डिंग मुझे कोई कंप्लेन नहीं है इस रॉम से, इस बार परफॉर्मेंस को एकदम से फिक्स कर दिया गया है, एकदम अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल जाता है। एंड उसके ऊपर सबसे मुझे फेवरेट जो इस रॉम का लगा वो है इसका FOD ब्लेजिंगली फास्ट है। तो ये था इस रॉम का एक डिटेल्ड रिव्यू, अगर आपको जानना है इस रॉम का इंस्टॉलेशन प्रोसीड्यूर तो चलिए गाइस जल्दी से देख लेते हैं इसका इंस्टॉलेशन प्रोसीड्यूर। तो गाइस इस रॉम को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉक बटन और वॉल्यूम अप बटन को साइमल्टेनियसली प्रेस करना पड़ेगा और हमारे फोन को जो है कस्टम रिकवरी मोड में ले जाना पड़ेगा। तो गाइस ये जो रॉम है ये MIUI वेंडर बेस्ड है, तो आपको MIUI वेंडर का एकदम से लेटेस्ट 12.0.0.9 का जो वेंडर फाइल है उसे आपको फ्लैश कर लेना है, तो वाइप में आ जाएंगे। मैं अपने टेलीग्राम चैनल में लेटेस्ट MIUI वेंडर 12.0.0.9 का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आप सभी के लिए जिनके फोन में वो वेंडर अभी फ्लैश नहीं है। सो गाइस यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे रैफलिंग ग्लोबल 12.0.0.9 का जो वेंडर है इसे, एंड हम लोग कर लेंगे फ्लैश। तो गाइस ये रहा वेंडर फाइल जो है हो चुका है सक्सेसफुली, फ्लैश्ड। अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे रॉम का जो zip फाइल है उसे हम लोग कर लेंगे सिलेक्ट एंड हम लोग फ्लैश कर देंगे। तो गाइस रॉम का zip फाइल जो है वो भी हो चुका है सक्सेसफुली फ्लैश। अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अगर आप में से कोई भी TWRP का कस्टम रिकवरी यूज़ कर रहा है तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि FCrypt डिसेबलर को भी आप फ्लैश कर ले। मैं आप सभी को बस दिखा दे रहा हूँ क्योंकि ऑरेंज बॉक्स रिकवरी ये मैंडेटरी नहीं होता। इसके बाद चलिए गाइस कर लेते हैं इसे रीबूट। तो गाइस ये बूटिंग एनिमेशन जो है वो हो चुका है स्टार्ट, अभी हमें वेट कर लेना पड़ेगा जब तक कि फर्स्ट बूट कंप्लीट नहीं हो जाता। तो गाइस ये रॉम जो है वो हो चुका है स्टार्ट, अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे स्टार्ट में क्लिक कर लेंगे एंड जो सिम प्रेफरेंसेस है उन्हें सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन किसी भी एक नेटवर्क में कनेक्ट होकर जो बेसिक एंड्रॉयड फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा रॉम जो है एकदम से रेडी हो जाएगा डे टू डे यूजेज के लिए। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में।